गाइज आप सभी का हमारी इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सभी को मैं बताने वाला हूँ कि अगर आप सभी लोग IMO एप्लीकेशन में अपना नंबर यहाँ पे रजिस्टर कर रहे हैं यानी कि लॉगिन कर रहे हैं तो यहाँ पे आपके फ़ोन में जो OTP है वो नहीं आ रहा है, यानी कि आपके फ़ोन में OTP जो है वो सेंड नहीं हो रहा है और आप यहाँ पर IMO के एप्लीकेशन में रजिस्टर नहीं कर पा रहे हैं। तो गाइज़ आज के इस वीडियो में मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताने वाला हूं कि कैसे आप सभी लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो गाइज़ आप सभी लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक वॉच करिए और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। सो गाइज़ चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे ही आप यहाँ पे IMO एप्लीकेशन में अपना नंबर डालते हैं उसके बाद दोस्तों वेरीफाई करने के लिए आपके फ़ोन में एक OTP सेंड होता है, बट वो जो OTP है वो आपके फ़ोन में नहीं आ रहा है। तो ऐसे में आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले अपने फ़ोन में सेटिंग को ओपन करना है। तो यहाँ पे सेटिंग को ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा एप्लीकेशन का, तो आपको यहाँ पे इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको मैनेज ऐप्स करके एक और ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। उसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको सर्च बार का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको सर्च करना है IMO। तो जैसे ही आप लिख के सर्च करेंगे तो ये वाला एप्लीकेशन आ जाएगा, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे ऐप परमिशन करके एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आपको फटाफट से उस पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है ये वाला, आपको देख सकते हैं कॉन्टैक्ट और फ़ोन का, तो जो फ़ोन वाला ऑप्शन है उसको आप जो है अलाउ कर लीजिए और यहाँ पर कॉन्टैक्ट वाले ऑप्शन को भी आप जो है अलाउ कर लीजिए इसमें, ओके। और उसके बाद दोस्तों अलाउ करने के बाद आपको बिल्कुल भी कुछ भी सेटिंग्स नहीं करनी है, बस आपको इतना ही सेटिंग्स करनी है और हो सके तो आप जो है स्टोरेज वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इसका डाटा को भी क्लियर कर लीजिए, ओके। डाटा क्लियर करने से क्या होगा, आप जो है इस एप्लीकेशन में जब फिर से अपना नंबर डालेंगे और वहाँ पे आपके फ़ोन में गाइस OTP आ जाएगा। और एक बात दोस्तों, आप जो है अपना फ़ोन का नेटवर्क चेक कर लीजिए, होता क्या है दोस्तों आपके फ़ोन में नेटवर्क नहीं होता जिसके कारण भी ये जो OTP है वो आपके फ़ोन में नहीं आता है, तो आप जो अपना नेटवर्क को भी चेक कर लीजिए सबसे पहले, ओके। तो इसी तरीके से आप जो है इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो गाइज अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।